शर्मा जी के जज्बात को सुना, मैं अपने अंदर बहुत कुछ सोच रहा था, क्या कहूँ, उससे आगे कुछ कहने के लिए है, मजबूर हूँ कुछ कहने के लिए। अशोक ने एक शब्द गाया जिसमें कहा कि ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरा भी नहीं मुझ गुरु की महिमा को जान सके, कहा ना, तो हम इंसान हैं, हम कैसे जान सकेंगे। लेकिन सतगुरु ऐसे मिले, उन्होंने बताया ही नहीं बल्कि दिखा दिया कि ये गुरु है। परम दयाल जी महाराज की संगत में आने से उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरु क्या है, बल्कि ये बताया कि गुरु ये है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हमारी संस्कृति, हमारा सनातन ने फैसला कर दिया कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मे श्री गुरु वे नमः। उन्होंने तो कहा गुरु ही है, जो कुछ है बाकी है ही कुछ नहीं, कहा ना। और फिर आगे ये भी कह दिया, गुरु वाक्य मूल मंत्रम, ध्यान मूलम गुरु, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु स्वरूप, ये लिखा है ना। आपको सुनाता हूँ दाता दयाल जी क्या कहते हैं, या जो परम दयाल जी महाराज की संगत में बैठकर मैंने समझा, वो समझा, वो जो कहता हूँ मैं, वो समझने के बाद कहता हूँ। दाता दयाल जी महाराज का शब्द निकालो, पहले भाग में है, कुछ नहीं दुर्गम सुगम अगर तू सच्चा दास है। दास वो है जिसमें भक्ति और विश्वास है, ये दो बातें हैं, निकालो ये शब्द। कुछ नहीं दुर्गम सुगम, सब दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं मुश्किल, वो मैं बताने जा रहा हूं। मिल गया आपको शब्द, मिल गए, सुनाओ पहली लाइन। राधा स्वामी, कुछ नहीं दुर्गम सुगम सब, कुछ नहीं दुर्गम सुगम सब, कुछ जो गुरु के दास हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिंदगी की, कहते कोई भी कठिन काम नहीं है, सभी आसान काम है। किसके लिए, किसके लिए, जो गुरु का दास है। अब दास कौन है, परम दयाल जी महाराज ने कहानी सुनाई हुई है सत्संग में, कोई मुसलमान राजा ने जब दिल्ली जीत ली तो सारी फौज को कहा कि लूट लो सारे शहर को, आप जाओ लूटो, अब फतेह हो गया सब कुछ। तो जो उनका दास था, जो उनकी सेवा में था, वो नहीं गया, वो बैठा रहा। राजा ने देखा और पूछा, अरे तू क्यों नहीं गया लूटने भाई, सभी गए हैं अपनी अपनी मर्जी की चीज़ उठाने के लिए, तू यहीं बैठा है। कहता महाराज, मैंने क्या लेना है, आप हैं बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मेरे आप हैं तो मैं कहाँ लूटने जाऊँ, जो कुछ दे रहे हो आप, दे रहे हो, मैंने कहाँ जाना है। बात को पकड़ो, गुरु का दास वो है जो गुरु से कुछ नहीं मांगता, ये पहली बात है, ये पहली कंडीशन है। अगर हम मांगने के लिए जाते हैं तो हम गुरु के दास नहीं है, हम भिखारी हैं, हम मतलबी हैं, हमारा कोई मतलब है उनसे। अगर कुछ नहीं मांगा और जाते हो केवल इस ख्याल से जाते हो कि मुझे मेरा ज्ञान हो जाए, मैं कौन हूँ, तो आप सच्चे गुरु के दास हैं। फिर आगे एक और कंडीशन लगाइए, पढ़ो अगली लाइन। कुछ नहीं दुर्गम सुगम
में दासवा सच्चा है जिसमें भक्ति हो विश्वास हो। अब दो कंडीशन है भक्ति, क्या भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति है किसी एक जगह किसी एक रूप किसी इष्ट में ठहर जाना, वो भक्ति है। जो जगह जगह भटकते फिरते हैं वो भक्त नहीं है। जो सुबह किसी को पानी देते हैं फिर किसी को पानी देते हैं वो भक्त नहीं हो सकते। भक्त वो है जो ठहर गया है। और कहाँ ठहरा? जहाँ गुरु ने ठहराया। ये भी मैं कह देता हूँ, गुरु वो नहीं है जो अपने साथ तुम्हें जोड़ता है, वो गुरु नहीं है। गुरु वो है, आगे बताऊंगा कहाँ ठहराया, आगे बताऊंगा मैं। ये परमदयाल जी महाराज का स्थान है, इसलिए यहाँ कोई चीज़ संदेह में नहीं रखी जाती, क्लियर होगी सारी बात। तो कहते भक्ति है पहले, भक्ति मीन तुम्हें कहीं ठहराओ मिल गया है, तुम एक ही जगह ठहर गए हो, तुम्हारा दुनिया में और कोई आइडियल या इष्ट या गुरु नहीं है, वो है एक। फिर उस पर पूर्ण विश्वास, उस पर पूर्ण विश्वास। शर्मा जी ने कहा गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो चित हित कर मान, उसको मान ले। जो कहा गुरु जी ने उसने आपके भले के लिए कहा है। अगर वो गुरु सच्चा है, अगर वो डेरे वाला है, अगर वो अपने लिए कुछ चाहता है तो फिर गुरु नहीं है। गुरु निर्लेप होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो शहनशाहों का शहनशाह होता है। वो कुछ नहीं मांगता, किसी से कोई इच्छा नहीं रखता, ना उसको इच्छा की जरूरत है। उस पर आपका दृढ़ विश्वास हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हारी दुर्गम सुगम हो जाएगा, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारे कष्ट कोई नहीं रहेंगे, तुम्हारे लिए ज़िंदगी में कोई कठिनाई आएगी नहीं, सुगम हो जाओगे। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। मैं हूँ तुझ में तू है मुझ में, मैं हूँ तुझ में तू है मुझ में, मेरा तेरा है भरम। अब क्या कहा गुरु जी ने, अब ये सुनो ध्यान से बात, फिर पढ़ो यही लाइन। मैं हूँ तुझ में तू है मुझ में, मेरा तेरा है भरम। कहते तू कहाँ मुझे ढूंढता, मैं तो तेरा हूँ, तू मुझ में मैं तुझ में हूँ। और मिसाल देता हूँ आपको तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जितना ब्रह्मांड है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितना ब्रह्मांड है पांच तत्व का बना है। हम इस ब्रह्मांड में इस पांच तत्व के पुतले के साथ इसी में रह रहे हैं। बात को पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ। ये पांच तत्व का ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में, इस बड़े ब्रह्मांड में, इस छोटा ब्रह्मांड, ये भी पांच तत्व का बना हुआ है। ये इसमें ऐसे रह रहा है जैसे जल में मछली। बात समझ गए? एक बात, उस ब्रह्मांड को कोई हस्ती चला रही है, इस बड़े ब्रह्मांड को कोई हस्ती चला रही है जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता। सूरज अपने समय पर चढ़ेगा, अपने समय पर ग्रूब हो जाएगा। कोई महात्मा कोई संत कहे कि सूरज अब डूब जाए, नहीं डूबेगा। कहानियां हैं देश में बहुत बनी हुई, मैं मानता हूं कि उनको हो गया होगा, लेकिन देखने में जो आता है कुदरत के निजम को कोई तोड़ नहीं सकता। ये जितना ब्रह्मांड किसी कानून के अधीन चल रहा है, इसको कोई चलाने वाली हस्ती है, और हमारे शरीर को भी चलाने वाली कोई हस्ती है। वो मन नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो चित्त नहीं है, वो अहंकार नहीं है, वो तुम्हारा हाथ नहीं है, वो जो कुछ है कोई और हस्ती है जो अदृश्य है। उसके बारे में कह रहे हैं दाता दयाल जी महाराज, पढ़ो यही लाइन दोबारा।
मैं हूँ मुझ में, तू है मुझ में, हम उसमें नहीं रहने का और वो हमारे अंदर है। कैसे कैसे? जैसे सिप्पी में मोती, हम ऐसे उस सिप्पी में रह रहे हैं जैसे सिप्पी में मोती रह रहा है, और हम ऐसे उसमें रह रहे हैं जैसे घृणी आपके घर में एक कीड़ा। क्या कह रहा हूं मैं, इस बात को समझने की कोशिश करो। हम में अहम आ गया, हम में मैं आ गई। दाता जल कहते मैं तो है ही नहीं मैं तुझ में हूं तो तू कहां रहा? एक गली में दो नहीं चल सकते, एक म्यान में दो तलवारें नहीं जा सकती। जा तुम रहो, जा उसको रहने दो। उसको रहने दोगे तो तुम्हारा हर काम सुगम हो जाएगा। अगर तुम कहो कि मैं हूं तो तुम्हारा काम सुगम नहीं होगा। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो यही लाइन। मैं हूं तुझ में, तू है मुझ में, मेरा तेरा है भरम। अब बताइए किसकी पूजा की जाए, कहां करोगे पूजा? इसका मतलब तुम उसको लग समझते हो अगर पूजा करते हो तो, तुम उसको कहीं और का समझते हो अगर पूजा करते हो। वो तो कहता मैं हूं, तू तो है ही नहीं। एक है, या तू है या मैं है, या तू मेरा हो जाए या मुझे अपना बना ले। ये तो मिटना ही पड़ेगा, एक को तो मिटना ही पड़ेगा। हमारा मिटना निश्चित है, उसका मिटना निश्चित नहीं है। तो जो मिटने वाली चीज है उसको मिटाना बेहतर है, बजाय इसके कि हम पहले कह के मैं नहीं मिटना। अगली लाइन पढ़ो। छोड़ मैं तू का भरम, छोड़ मैं तू का भरम, निज रूप की जब आस हो। अब क्या कहा दाता दयाल ने, पढ़ो फिर। फिर लाइन बहुत गहरी लाइन है। छोड़ मैं तू का भरम, निज रूप की जब आस हो। ऐ इंसान, दाता दयाल जी कहते गुरु स्वरूप कहते हैं कि मैं और तू के भरम को छोड़ दे, और क्या देख, अपना निज रूप देख, तू कौन है। तेरा निज रूप, परमदयाल जी महाराज यही तो कहा करते थे। अरे तुम्हारे घर में तुम्हारा गुरु है और वो तुम्हारी अपना सेल्फ है, तुम हो। वहां क्या है, अंदर क्या है? मन जब खत्म हो जाते अंदर प्रकाश है और शब्द है, और शब्द को देखने वाली एक हस्ती है, वो तुम हो। ना तुम प्रकाश हो ना तुम शब्द हो, तुम वो हो जो प्रकाश को देखती और शब्द को सुनती है। तुम वो हो जो शरीर को महसूस करती है, तुम वो हो जो आत्मा को भी महसूस करती है, तुम वो हो जो मन के पीछे लगकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। क्या कहा मैंने, पढ़ो यही लाइन फिर पढ़ो। छोड़ मैं तू का भरम, निज रूप की जब आस हो। अपने आप की आस रखो। का क्या आस? कि मेरे अंदर वो ही है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। वो हस्ती आलम है, मैं उसकी एक अंश हूं। वो सागर है, मैं उसकी एक बूंद हूं। वो सूरज है, प्रकाश है, मैं उसकी एक किरण हूं। बस ये बात अगर समझ में आ गई तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। फिर कौन किसकी पूजा करे, कौन किसकी घंटी बजाए, कौन किस मूर्ति को नहलाए, फिर वहां कुछ भी नहीं। इसीलिए तो कबीर साहब ने खंडन कर दिया, मैं खंडन नहीं करता, मैं असलियत को पकड़ा हुआ है कि असलियत क्या है। बाकी संसार है, ये चलता रहेगा। ये संसार काल और माया के अधीन है। गुरु के अधीन जो चला जाता है वो काल और माया से फ्री हो जाता है। क्या कहा मैंने, वहां ना काल है ना माया है, क्योंकि वो उसमें रहता है, उसका ख्याल उसको हमेशा रहता है कि मैं नहीं हूं, तू है। आगे पढ़ो।
मुझको सुमिरो मुझको धाओ हो भजन मेरा सदा। फिर पढ़ो यही लाइन। मुझको सुमिरो मुझको धाओ हो भजन मेरा सदा। अब जब दाता ने ये कह दिया मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है मैं तू का भरम छोड़ दे, तो अब वो कहते हैं पढ़ो फिर यही लाइन। मुझे को सुमिरो किसको सिमरो किसको सिमरो जो तुम्हारे अंदर बैठा है। शर्मा जी क्या कह रहा हूं, किसको याद करो जो तुम्हारे अपने अंदर बैठा है उसको सिमरो। इसलिए दाता दयाल ने एक शब्द लिखा, भरोसा तेरा है तेरी आसमान में लगा रहता हूँ तेरे सिमरन भजन में, यही है कर्म मेरा जही का मेरा लगा रहता हूँ सुबह शाम नाम तेरा। यही कहा ना, तो वो किसी और का थोड़ा कहा, वो हजूर राय सालग्राम साहब का नहीं कहा उन्होंने कि तेरा नाम मैं सिमरन करता हूँ। आखिर में वो उन्होंने उसका फैसला भी कर दिया हुआ है। बड़ा लंबा शब्द है ये, किसको याद करना है। ए इंसान तेरे अंदर जो वो हस्ती बैठी है उसको तुमने देखना है, उसको तुमने याद करना है, उसका रूप खोज करना है, तो तुम्हें वो मिल जाएगा जो इस संसार को चलाने वाला है। क्या कहा मैंने। बाबा फकीर तो बड़ी मिसाल दिया करते थे हमें समझाने के लिए, वो बड़ी अच्छी मिसाल दिया करते थे, मैं को भूलता नहीं उस मिसाल को। कहते हमारी माताएं मिट्टी के बर्तन में दाल बनाया करती थी और अग्नि के ऊपर रख देती थी, पानी डाल देती थी, दाल डाल देती थी, मसाला जो भी नमक मिर्च हल्दी डाल दी और उसको ढक दिया, बाकी काम लग जाती थी। और ढक्कन भी गली वाले होते थे, मुझे तो मैंने देखा है बचपन में सारा कुछ देखा है। तो सारा काम करना, झाड़ू पोछ कर लेना, सारा काम घर का कर लेना, आप समझ गए, फिर आ जाना, फिर चमचा लेना, चमचा लेकर दो दाना या एक दाना निकालना सब्जी दाल का और उसको ऐसे देख लेना, फिर उसको मुंह में डाल, हाँ दाल बन गई। एक दाना देख लिया तो सारी हांडी की दाल बन गई। ऐसे ही ए इंसान तेरे इस पांच तत्व के शरीर में एक अंश बैठी है, तू उस अंश को जान जाएगा तो उस मालिक को जान जाएगा, तेरा सारा भटकना खत्म हो जाएगा, तुम्हें ये जग देख लीला लगेगी और कुछ भी नहीं है, ये एक तमाशा नजर आएगा, ये जग एक तमाशा है और कुछ भी नहीं है, हम एक अलॉटेड पार्ट करने के लिए आए हैं। और अगर खुशकिस्मती है बाबा फकीर जैसा सतगुरु मिल गया तो कल्याण हो गया, नहीं तो जहाँ तो गुरुओं की लहने लगी हुई हैं। बात समझ गए। आई एम प्राउड ऑफ माई गुरु, मुझे अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा है, मैं उन पर पूरा अभिमान कर सकता हूँ, अपने ऊपर अभिमान नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता मुझे बताया। मैंने शर्मा जी को कल परसों शर्मा जी का फोन आया, मैं पुराने पत्र निकाल कर देख रहा था, महाराज की फाइल है मेरे पास, और बड़े दिनों के बाद वो फाइल निकली क्योंकि नया कमरा बना, उसमें मैंने अलग अलग करके चीज़ें रखनी थी, तो उसमें दो चिट्ठियां मैंने शर्मा जी को, मैं कह शर्मा जी आपका पत्र आया, महाराज जी के दोस्त पत्र सुन लो मेरे नाम क्या लिखा है। बात मेरी समझ गया। तो मुझे वो मेरे जीवन का खून है, उनकी जो लेखनी है उनका जो शब्द है वो मेरे जीवन के खून का सर्कुलेशन है। उनको जब मैं पढ़ा तो मेरे में एक जज्बा पैदा हो जाता है, जब मैं उनके, वो मेरे सामने हैं, मेरे पास बैठे हैं, मुझे बता रहे हैं। क्या कहा मैंने, वो कहाँ दूर हैं, ये दुनिया जो गुरु के जन्मदिन मनाती है, जो जुलूस निकालती है, ये दुनिया नहीं है। गुरु मरता नहीं है, गुरु जिंदा है, और वो वचन है गुरु का जो तुम्हें मिला है वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा तुम्हारे साथ है, और तुम उसी में जज्ब हो जाओगे तब तुम्हारा कल्याण है, जो शब्द उन्होंने दिया। क्या कहा मैंने। इसलिए दाता दयाल क्या कहते हैं, पढ़ो यही लाइन फिर तो।
दो शब्द सुनाऊंगा मैं आपको आज शर्मा जी। मुझको सुमिरो, मुझको ध्याओ, हो भजन मेरा सदा। हाँ। ध्यान सुमिरन और भजन की, ध्यान सुमिरन और भजन की रीत सासों सास हो। ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए इसको देखने की, जो तुम्हारे अंदर बैठा है वो रूप नहीं है, जो रूप में अटक है तुम्हारा मन है, वो रूप से आगे है, वो प्रकाश से भी आगे है। और जहां तक मुझे विश्वास हो गया कि वो शब्द से भी आगे है। क्यों कह रहा हूं, बाबा फकीर ने कहा कि तुम कहाँ बैठे हो, मैं पांचवें पद में रहने वाला हूं। पांचवें पद में वो होता है जो प्रकाश और शब्द की भी परवाह नहीं करता। आह, हम उस संत के, उस परम पुरुष के, उस सतपुरुष के दरबार में बैठे हैं जिन्होंने पांचवें पद का ज्ञान हमें दिया। और वो पांचवें पद में रहने वाला कौन है? क्या तुम्हारा शरीर है? क्या तुम्हारी बुद्धि है? क्या तुम्हारी सोच है? क्या तुम्हारी दौड़ धूप है? क्या तुम्हारी पूजा है? क्या तुम्हारा पाठ है? क्या तुम्हारी तीर्थ यात्रा है? कुछ भी नहीं है तुम्हारा, तो वहां मन भी नहीं है। वहां क्या कह रहा हूं मैं आपको, वहां जाना है हमने, वहां तुम हो, वहां तुम्हारा गुरु है और वही तुम हो। गुरु तुम्हारे से अलग नहीं है, इसीलिए दाता ने कहा, लिख दिया है, अपना आपा आप पहचानो, कहा किसी का नेक न मानो। अब ये क्या कह दिया, देखो गुरु ने कह दिया, ये बात गुरु ने कह दी कि तू अपना पहचान भाई, नो दाई सेल्फ टू नो गॉड। क्या कहा मैंने, इसलिए दाता दयाल का शब्द आपको सुन पढ़वा गया। होगा परगटे जब बुलाओगे कभी तुम चासे। उन्होंने कह दिया कि जब तुम मुझे बुलाओगे, मुझे मीन तुम नहीं तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। वो प्रकट क्या होगा तुम्हारे अंदर? शब्द। वो तुम्हारे अंदर शब्द प्रकट होगा, इसलिए परम दयाल जी महाराज ने मुझे एक पत्र में लिखा, गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लवार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर बटमार। मेरे का मेरे पत्र में लिखा हुआ है, शब्द गुरु है। पहले कौन सा शब्द? जो सत्संग में सुना वो शब्द भी उनका है, उसके ऊपर चलना है। फिर तुम्हारे अंदर मन के कई शब्द हैं जो पांच नाम में जपने वालों को मिलते हैं। कोई घंटा सुन रहा है, कोई ओम ओम के बाद सुन रहा है, कोई बांसुरी सुन रहा है, कोई सारंगी सुन रहा है, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सुनता है, कोई वीणा सुनता है अंदर। बात समझ गए? वो सारे मन के खेल हैं। वो शब्द ऊपर से आता है, यहाँ से उतरता है, उसको ये कान नहीं सुन सकते। ये मेरा तजुर्बा है, ये कान बंद है, उसको कान अंदर है वही सुनते हैं। क्या कहा मैंने, जब वो सुन जाओगे सारे भ्रम जल कर फूस हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता लग गया को हो गुरु की इतनी कृपा है। ये गुरु कृपा से होता है, वैसे नहीं जिसने तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया कल्याण हो जाता है। तब बुलाओगे, कब कब? जब तुम दुनिया से थक कर उसको याद करोगे। दुनिया से थक कर, जो थका नहीं है वो उसको नहीं पा सकता। इसलिए कबीर साहब ने एक शब्द में कहा है, मन तू थकत थकत थक जा, ए मन तू थक जा, बस मैं तंग आ गया हूँ, तू थक जा बस, मैनू तेरे विचार नहीं चाहिए, मेनू तेरे ख्याल नहीं चाहिए, मैनू तेरी दौड़ नहीं चाहिए, मुझे ठहरने दे, अपने आप में ठहरने दे, मुझे अपना आपा जानने दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। होगा परगट जब बुलाओगे कभी तुम चासे, मेरे रहने की जगह
क्या कहा मैंने? शर्मा जी ने कहा ना, गुरु व्यास नहीं रहता, होशियारपुर नहीं रहता, व्याघ्र नहीं, कहते हैं ना, कहा ना, तो कहा रहता, मैं आकाश में रहता हूँ, ये आकाश है हमारा, ये हमारा आकाश है, नीचे ये पाँव को कहा गया कि ये पाताल है, एक जगह मैंने पढ़ा, ये पाँव पाताल है, ये मध्य, ये मध्य, ये सारा ब्रह्मांड है, और ये हमारा आकाश है, ये यहाँ है वो रहता। और अभी आगे बताऊँगा, मैं बताऊँगा, आगे आगे पढ़ो। राधा स्वामी ने दया की भेद अंतरे का दिया, अंतर का भेद दिया है, ये अंतर का भेद है जो मैंने बोला, अभी इसको और थोड़ा पक्का करूँगा, है ना, पक्का करूँगा, पढ़ो पढ़ो आगे। राधा स्वामी ने दया की भेद अंतरे का दिया, देख लोगे मुझको जब, देख लोगे मुझको जब नित सत्काया अभ्यास हो। आपके अंदर पूरी प्यास होगी तो एक इसी के उस पेज पर एक शब्द देखो जिसकी तुमको खोज है यहाँ जी। हाँ जी, ये पढ़ो। अब ये पढ़ो, अब बता दूँ कि तुमको है कहाँ जिसकी तुमको खोज है। ये आसान नहीं है, लेकिन जब तुम्हें अनुभव हो जाएगा संगत में जा कर, बैठ बैठ कर, थोड़ी मैंने कही एक बात चली मेरी किसी लड़के के साथ बाहर टेलीफोन पर बात हो रही थी, मैंने कहा बेटा मैं एक कह देता हूँ आपको, मेरी गौर को बात गौर से सुनना, अगर किसी को बुरी आदत पड़ गई, बुरी आदत कोई भी आदत खाने की पीने की पड़ गई, तो मैंने कहा वो आपके शरीर में एक न एक दिन रोग पैदा करेगी। मिसाल के तौर पर मैंने बताया कि आप नहाते हो, घर में पत्थर लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, आप रात को बाल्टी भरकर ना छोड़ो, बाल्टी को नल का थोड़ा खुला छोड़ दो, एक टिप टिप करके पानी छोड़ दो, टिप टिप करके बाल्टी हटा दो, सारी रात पानी गिरता रहेगा, टक टक टक, तुम्हें आवाज़ भी आएगी कि पत्थर को कमरा हिला रहा है, आएगी ना, किसी वक्त वो जो ड्रॉप गिर रहा है, वो जो नलके से पानी गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, वो इतने जोर से गिरेगा कि पत्थर में भी जगह कर देगा, ये मेरा तजुर्बा है। तो अगर तुम ऐसी चीज कोई खा रहे हो, धीरे 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 वो अंदर तुम्हें जला देगी, तो मानो ना मानो, एक तो ये बात है। दूसरी बात कि बाल्टी खाली रख दी, आपने एक ड्रॉप खोल दिया, उसको छोड़ दिया, तो धीरे 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 वो बाल्टी भर जाएगी, भरेगी। ऐसे ही ऐ इंसान, तू हर रोज थोड़ा थोड़ा उस अंदर बैठे के साथ प्रेम को बढ़ाता जा। शर्मा जी क्या कह रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा प्यार अपने अंदर जो तेरे अंदर बैठा है, मन से परे, मन बुद्धि से परे, उसके साथ धीरे धीरे हर रोज थोड़ा सी उसकी खोज कर, हुए माई मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं जहाँ क्यों आया, मैं कहाँ जाना है। तुम रोज ऐसा ख्याल करोगे तो वो जो बाल्टी है ना अंदर तुम्हारे, वो बढ़ती जाएगी, एक दिन तुम्हारी आंख खुल जाएगी। मैंने एग्जाम्पल दे दी आपको, सुनना समझना आपने है, रोज नहीं धीरे चलो, ये जल्दी का मार्ग नहीं है, दे धैर्य का है, विश्वास का है, श्रद्धा का है, प्रेम का मार्ग है, अपने आप के, अपने आप से प्रेम का मार्ग है। ये दुनिया प्रेम के काबिल नहीं है, यहाँ प्रेम की कोई कदर नहीं हुई ना, देखो अपने संतों का हाल, गुरु साहबान का हाल देखो, जिन्होंने सब कुछ नौशाबर कर दिया फिर भी उनको अपना पंजाब छोड़कर दूर जाना पड़ा, क्या कहा मैंने,
तो क्या कहते हैं दाता दयाल, अब दूसरी मोर लगाने लगा, मोर क्या मोर ना चिट्ठी लिखी हुई है लेकिन साहब की मोर नहीं लगी तो वो पास नहीं होना, दाता दयाल मोर लगाने लगे, पढ़ो आगे। जिसकी तुझी को खोज है परगट तेरे मन में है। अब पहली बात तो ये है, इस दुनिया को उस मालिक की जरूरत नहीं है, ये दुनिया मन भिखारी है, ये दुनिया केवल उसकी पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि अपनी मनोकामना पूरी हो जाए, हमारे को जय मिल जाए, हमारे को जय मिल जाए, हमारे को जय मिल जाए। उनको ये विश्वास ही नहीं है कि जो मिलना है वो पहले अलॉटेड है, वो पहले दिया हुआ है उसने। पंडिया जी महाराज बात सुनाया करते थे, कभी कभी बात सुनाई उन्होंने आंखों देखी, पाकिस्तान की बात है, वहाँ कोई मज़ार है, इस्लाम धर्म में सूफीज़म में महापुरुषों की कब्रें बनी हुई हैं, वहाँ उनकी पूजा होती, जैसे अजमेर में चिश्ती साहब की है, मैंने वो देखी है, करोड़ों लोग वहाँ आते हैं, सूफियाँ गाते हैं, मज़े से गाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं वहाँ, और वहाँ धागे बांध देते हैं कि महाराज हमारी आस पूरी हो जाए तो हम धागा खोल देंगे, होती है फिर धागा खोल देते हैं, आते हैं, लोगों का विश्वास है। ऐसे ही पाकिस्तान में एक सूफी संत की मज़ार है जहाँ हर साल मेला लगता था और बड़े बड़े कव्वाल वहाँ जाते थे, कव्वाल जानते ना जो कव्वाली गाते हैं, उसकी शिफ्ट में। तो एक लड़की वहाँ बैठी थी, उसने कहा महाराज, उस पीर को कहा महाराज मैं भी कुछ महाराज जी के प्रति कहना चाहती हूँ, तो उसने उस पीर के प्रति अपनी श्रद्धा के सुमन भेंटते करते हुए बहुत उच्च कोटि से शब्द गाया, बहुत दिल से गाया, दिल से, क्योंकि बाकी लोग तो पैसे के लिए गाते हैं ना, पैसे गिरेंगे तो उनके आवाज ज़्यादा निकलती है, वो पैसे के लिए नहीं गाई उसने, दिल से गाया, उस पीर की शिफ्ट की शुक्रिया अदा किया। तो जो वहाँ संत बैठा था वो बड़ा खुश हुआ, ये हुजूर बाबा फकीर ने बात बताई, उसने कहा बेटी मैं बहुत खुश हुआ, आपने तो बहुत कमाल कर दिया, मैं बहुत खुश हुआ, मांग क्या चाहिए तुम्हें मैं देता हूँ। उसने कहा महाराज पीर का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने दोबारा फिर कह दिया बेटी दूसरा वचन है मांग ले। कहती नहीं महाराज, मुझे पीर ने सब कुछ दिया है, मुझे कोई कमी नहीं। आखिरी कहते जो तीसरा वचन है बेटी, फिर कहा अच्छा महाराज अगर आप इतने दयालु हैं तो मुझे वो दे दीजिए जो मेरी किस्मत में नहीं है और समय से पहले दे दीजिए। दो बातें, आप वो दे दीजिए जो मेरी किस्मत में नहीं है और समय से पहले दे दीजिए, जे आपकी बड़ी कृपा होगी। हजूर ने फरमाया, वो संत वो पीर उठा कमरे में गया, कमरे में जाकर मुंह काला करके बाहर आ गया, कहता बेटी मेरे बस में नहीं है, मैं अहंकार में आ गया था, मैं ये नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने, ये हमारा महाराज क्या कहा करते थे, अरे मैं कुछ नहीं देता, जो होने वाली बात होती मेरे मुंह से निकल जाती है, मैं नहीं कुछ भी करता, और बात सच्ची कहते थे। संत सतगुरु जो होता है जब वो अपने आप में होता है उस वक्त जो बात उनसे मुख से सहसवा निकले वो पूरी हो जाती है। क्या कहा, वो जानबूझकर नहीं करते कि हाँ पैसे चढ़ा ये अच्छा बच्चा तेरे यहाँ हो जाएगा, ये नहीं, संत की ये पहचान नहीं है। तो वो कहते हैं मैं तेरे मन में हूँ, तेरे मन में, पहली बात ये कही, जब मन में जाओगे ध्यान करोगे तो गुरु की मूर्ति देखोगे आप, लेकिन वो गुरु की मूर्ति बाहर से नहीं आई, तुम्हारे मन ने बनाई है। इस बात का तो गुरु मेरे बाबा फकीर ने बिल्कुल पर्दा खोल दिया, कोई गुरु कोई संत कोई पीर कोई पैगंबर कोई देवी कोई राम कोई कृष्ण तुम्हारे अंदर बाहर से नहीं आता, ये तुम्हारी अपने मन की श्रद्धा का ही परिणाम है, वो मन है तुम्हारा जो तुम्हारे अंदर दिखता है। पहली बात, आगे चलो।
जिसकी तुझको खोज है, प्रगट वा तेरे मन में है। भरम भूला भटका क्यों, भरम भूला भटका क्यों, दिन रात घर और बन में है। अब वो कहते तू किस बात के लिए भरम में पड़ा हुआ है कि वहां जाऊं वहां जाऊं वहां जाऊं। बात समझ के दुनिया जाती है ना, कितनी दुनिया देखो तो क्या हो रहा है दुनिया में, सब अंधेरे में अंधेरे में प्रकाश ढूंढ रहे हैं, जबकि प्रकाश अंदर है। मुखी क्या ढूंढ रहे हैं, अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए दौड़े हुए हैं और कुछ नहीं। उसके लिए कोई नहीं दौड़ता, सब अखंड है, सब धोखा है। किसी ने कोई रूप बनाया हुआ है, किसी ने कोई रूप बनाया हुआ है, कोई उसको किसी नाम से याद करता है, कोई उसको किसी नाम से याद करता है। वहाँ नाम तो है ही नहीं, किस नाम से पुकारे उसको, वो तो नाम है ही नहीं उसका। फिर नाम कौन सा हुआ, तुम्हारा अपना नाम वो है, वो है तुम्हारा अपना नाम है। वो क्या है वो भी आगे बता दूंगा, आगे पढ़ो। कहते कहाँ भगते फिरते हो तुम, क्यों भटकते फिरते हो, क्यों भ्रम में फिरते हो, आगे चलो। इंद्रियों में है वही, बुद्धि में चित अहंकार में। अब वो कहाँ कहाँ है तुम्हारे शरीर में, अब थोड़ा डिटेल में चल जाओ शर्मा जी, अगर टाइम हो तो। जब बच्चा पैदा होता है, ये मेरे अनुभव हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, ये मेरे अनुभव हैं जो मैं कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि मैंने गुरु के वचन को पकड़ा है और उस पकड़ के पीछे चला चला तो कहां पहुंचा। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, अगर ना रोए तो कह देते हैं डॉक्टर के ये है नहीं। बात समझ गए, वो बड़ा करते हैं, थपाते हैं, उल्टा करते हैं, सीधा करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन वो हस्ती यहाँ आई नहीं। होता क्या है, वो रोता इसलिए है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो उल्टा होता है, हम उल्टे रहे हैं 9 महीने अपने माँ के गर्भ में, तो सारी एनर्जी सारी ताकत हर चीज़ हमारे यहाँ है, ये हमारा केंद्र है जिंदगी का। तो जैसे ही झटका दे के उल्टा किया तो वो यहाँ आ गई, तो बच्चा घबराया रोया, वो बोल तो सकता नहीं क्या हो गया, रोया ना, बड़ी खुशी होती है, लड्डू बट गए, लड्डू बट गए। चलो महीना हो गया, 2 महीने हो गए, बच्चा बिस्तर पर लेटता है, वो शुरू शुरू में कुछ नहीं बोलता, माँ दूध देती है वो देखता है ना, वो बोल सकता है, उसको पता ही कुछ भी नहीं है ना, वो राम राम करता है ना वो कुछ करता है, वो तो खाने के लिए मांगता है। तो खाना पहले इम्पोर्टेंट हुआ कि राम राम पहले हुआ, बाबा फिर यही तो कहते थे, पेट न पहिया रोटियाँ सभ्य गल्ला खोटियाँ, सबसे पहले ए इंसान तुम्हें भोजन चाहिए अपनी हक लाई का। फिर वो बच्चा देखा है मैंने, मैंने भी ऐसे किया होगा, फिर वो हाथ हिलाता है ऐसे ऐसे मारता है, फिर वो टांगे भी हिलाता है ऐसे ऐसे करता ना शर्मा जी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस एनर्जी को शरीर में ला रहा है, इस हस्ती को अपने शरीर में ला रहा है, तभी आएगी नीचे जब हरकत होगी। हरकत हुई तो वो वहाँ से चली, बाजू में आ गई और पकड़ने लग गया, चीज़ को पकड़ने लग गया, फिर टांगे हिलाई तो बैठने लग गया, फिर वो कोशिश करता है रुड़ता है तो टांगे और ताकत पकड़ गई, फिर वो कुछ पकड़ कर खड़ा होता है, होता ना जी। तो एनर्जी जो थी हस्ती जो है वो हमारे शरीर में सारे आ गए, अब वो सारे शरीर में है। अब जो भजन करते हैं हम, जब सिमरन करते हैं, जो हम ध्यान करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उसका मतलब क्या है कि हमने इस एनर्जी को हमारे शरीर से वापस जाकर यहाँ लाना है,
और यहाँ से फिर धीरे 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 इसको वहाँ पहुँचाना है जहाँ से जो नीचे आई है। शर्मा जी आपको बात पता लगी, ये है राधा स्वामी मत। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। वो सुरत हमारे सारे शरीर में है और यही दाता दयाल जी महाराज, जो मैंने समझा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये प्रमाण है इस बात का कि ये दाता दयाल ने ठीक लिखा है, वो सारी एनर्जी, वो सारी हस्ती हमारे शरीर में है। और जब हमारा प्रलय होगा शरीर से, यहाँ से सारा कुछ वापस चल जाता है और आंखें भी उल्टी जाती हैं। क्या कहा मैंने, उल्टती है ना, डॉक्टर भी देख लेते हैं ऐसे करके, आँख उल्ट गई, करे बस है नहीं। क्या कहा मैंने, पढ़ो। इंद्रियों में, इंद्रियों में है वही, बुद्धि में चित अहंकार में, फिर बुद्धि है, फिर चित है, फिर अहंकार है, जाने इंद्रियों से सीधा ऊपर ले गए दाता दयाल। और आगे, मांस में है, प्राण में है, मांस में है, प्राण में, नस नाड़ी में और तन में है। फिर क्या कह दिया, तुम्हारे शरीर के इस मांस में भी वो ही है, तुम्हारी नस नाड़ियों में भी वो ही हरकत कर रही है, वो ही चीज है, कोई और कर रहा है? तुम्हें पता है कि हार्ट कैसे पंप हो कर रहा है? तुम्हें पता है कि नब्ज कैसे चल रही है? तुम्हें पता है कि रोटी कैसे पच रही है? बताओ, किसी को पता हो तो बता दे भाई, मुझे तो पता नहीं, मुझे पता नहीं नाड़ कैसे चल रही है, मुझे पता नहीं हार्ट कैसे पंप, तो पता चला कि वो तो है। वो और है, वो मेरा मन नहीं है, वो मेरी बुद्धि नहीं है, वो मेरा चित्त भी नहीं है, वो कोई और है, और वो जो है वो माल के कुल की अंश है। यही दाता दयाल ने लिखा बाबा फकीर को, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। बाबा फकीर कहते थे मुझे पता नहीं लगता था कि दाता क्या कह रहे हैं, ए सत्संगियो तुम्हारा पेड़ा पार हो, तुम्हारे ज्ञान ने मुझे ज्ञान दिया, जब तुम कहे कि मैं तुम्हारे अंदर आता हूँ, मैं नहीं आता, तुम्हारा अपना पाई है, तुम ही हो। क्या कहा मैंने, तो ये है ज्ञान असली, ये है राधा स्वामी मत असली, और ये है सनातन धर्म असली, जिसमें गायत्री मंत्र में कहा है ओम भूर्वा स्वा महाजना तपा सत्यम। इनसे आगे जाओगे तो वहाँ सत्यम है, तुम नीचे ही शरीर में बैठे पूजा कर रहे हो, आरतियां कर रहे हो, कहाँ है वहाँ वो, तुमने खुद ही ज्योत जला ली, अंदर ज्योत को तो देखा ही नहीं, इसलिए भटक गया सनातन धर्म। ये राधा स्वामी मत सनातन धर्म को ठीक करने के लिए आया, मैं तो ये कहूँगा, ये रिफाइंड फॉर्म ऑफ सनातन धर्म है राधा स्वामी मत। तुम्हारे घट में है, जो कुछ भी है तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शरीर के अंग अंग में वो ही है, तुम नहीं हो। तुम अपने आप को पहचानो कि वो कौन है। फिर कहाँ सांस भी कहा है, सांस में भी कहा है ना, तुम्हारा सांस लेने वाला कौन है, तुम सांस की पहचान करो पहले, सांस को देखो कौन लेता है, शायद तुम्हें फिर झलक मिल जाएगी कि सांस कहाँ से आ रहा है, कौन ले रहा है, वो ले रहा है, वो जो तुम्हारे अंदर बैठा है, वो है राधा स्वामी, वो है राधा, और स्वामी तुम्हारा सांस है। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। खोल कर कहता नहीं कोई कभी इस बात को, दाता दयाल कहते हैं इस बात को कोई नहीं खोल के कहता, वही वो तेरे अंदर है। कहीं पढ़ो, कहीं ने लिखा, सब गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, बीबियां नाच रही हैं। क्या कहा मैंने, बड़े बड़े वो लगाए हुए हैं, किसी ने ऐसे लगाया हुआ तिलक, किसी ने ऐसे लगाया हुआ तिलक, किसी ने दो का लगाया है, किसी ने यहाँ तक लगाया है, उनको पता ही नहीं कि वो करके रहे हैं, काल और माया के अधीन ये सारा कुछ हो रहा है।
वो दादा दयाल जी क्या कहते हैं, कहते कोई बात ये खोल कर नहीं कहता, अगर खोल कर कहेंगे तो काम नहीं चलेगी, कोई नहीं आएगा पैसे देने के लिए। बात समझ गए, ये सब माया का चक्कर है, धन का चक्कर है, बड़े बड़े डेरे बने हुए हैं। और मेरे देश की हाल तो ये है कि गुरु जिसको बनाया वो कैद में है, 20 साल की कैद में है, और फिर भी लोग उनको सुन के सत्संग सुन रही है। इससे बड़ा अंधेर और क्या हो सकता है। जो खुद बंद है तो मैं किसे निर्बंध करेगा, जो खुद बंद बंद में पड़ा हुआ है। ओ जय हो श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज की, छठे गुरु साहिबान। जब ग्वालियर के कैदखाने में थे तो जहांगीर को कहा, उसने उनके काजी ने, महाराज वो बहुत बड़े संत हैं, उनको फ्री कर दो, नहीं तो तुम खत्म हो जाएगा, सारा मुगल राज खत्म हो जाएगा। कहते हाँ उनको, मैं कहता हूँ उनको आज़ाद कर दो। उनके पास आज़ादी के लिए आया, को कहते मैं अकेला नहीं जाऊँगा, जितने राजे बंद किए हुए सब मेरे साथ होने चाहिए। वो कहते ऐसे तो हम नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसे करो जो तुम्हारा पल्ला पकड़ ले, तुम्हें पकड़ ले, वो निकल जाए। तो हरगोबिंद साहब ने फिर एक चोला बनवाया बहुत बड़ा, उनके साथ रस्सियाँ लगवा दी कि लो भाई पकड़ लो, जितने राजे थे सबको बाल। आहा, वो बंदी छोड़, तभी दिवाली बनाई जाती है अमृतसर की। क्या कहा मैंने, वो चाहिए संत आज हमें, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आते हैं, ना जाने कब आए। भगवान कृष्ण ने तो कहा था कि मैं जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, अब इससे परे हानि और क्या हो सकती है। हमारी माताओं बहनों को नग्न करके उनका जुलूस निकाला जाता है, हमारी माताओं बहनों को मंदिरों में जाने की आज्ञा नहीं है, कब आएगा। मैं पूछता हूँ भगवान कृष्ण को, अब और क्या चाहता है वो। अब क्या नाम है वो, क्या नाम था पांडमा की पत्नी का, क्या नाम था, द्रौपदी तो अब है नहीं तुम्हें पकार करने वाली। तब तो वो एकदम आ गया था, अब सभी पुकार कर रहे हैं, तू आ जा इस देश में, आ जा, तेरी बहुत ज़रूरत है, कुछ कर ले आकर। मैं ये प्रार्थना करता हूँ उसको, अगर अपना वचन दिया है तो पूरा कर दे, ताकि हमें पता लगे कि तू कहाँ रहता है, तू हमारे घट में रहता है। मैं उस घट से बोल रहा हूँ कि तू आ जा। क्या कहा मैंने, पढ़ो यही लाइन दोबारा। खोल कर कहता नहीं कोई कभी से बात को। मैं इंग्लैंड गया तो मेरे को सज्जन मित्र बहुत प्रेमी हैं, उनके पास ठहरा तो वो बड़ा प्रेम करते मेरे साथ, और मेरे पास बैठ गए। नाम उन्होंने किसी गुरु से लिया हुआ है। कहते पिताजी मेरा तो दिल ही टूट गया। मैं कहा क्या हुआ। कहते मेरा पहले वाले गुरु पर विश्वास ही उठ गया, अब जब से बाबा फकीर को पकड़ा और आपको सुना हूँ तो मुझे कुछ शांति मिली। मैं कहता क्या हुआ। कहता मैं उनके पास बैठा था, डेरा है उनका, तो उन्होंने मेरे बैठे बैठे कनाडा टेलीफोन किया कि भी इतने पैसे भेज दे, कमरे बन रहे हैं डेरे में। तो मेरी चोट लगी कि ये तो डेरे से फंसे हुए हैं, मुझे क्या आज़ाद करेंगे। बाबा फकीर ने तभी कह दिया, बुलबुल ने जब आशियाना छोड़ दिया हमारी तरफ से, बू बोले जा कहाँ बोले, कोई लगाव नहीं मंदिर से, कोई लगाव नहीं। मेरी बात समझ गए, मैं भी तुम्हारी सेवा करता हूँ चला जाता हूँ, मुझे कभी मंदिर का ख्याल ही नहीं आया मंदिर क्या है। लेकिन इस जगह से मेरा कृतज्ञ हूँ, इस जगह से कृतज्ञ हूँ कि यहीं बैठकर दाता ने मुझे शिक्षा दी, या वहाँ बैठकर मुझे शिक्षा दी, या जब मैं उनके घर चला जाता था तो मुझे चारपाई पर बैठा लेते थे, मेरे साथ बहुत प्रेम था, मुझे बहुत प्रेम मिला उस महापुरुष से। इसलिए मैं उनकी वाणी के गुण गाता हूँ, उनके ज्ञान का गुण गाता हूँ। मैं उनकी पूजा नहीं करता, मैं उनके ज्ञान की पूजा करता हूँ,
उन्होंने कह दिया गुरु वाणी है बेटा, मेरा शब्द तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा, मैं तो नहीं हूँगा, शब्द मेरे साथ है, उनका हर शब्द मेरे साथ है, उसी को मैं बांट रहा हूँ तुम्हारे पास, ले लो, मौज है तुम्हारी मौज है। और यही लाइन खोल कर कहता नहीं कोई कभी से बात को, अपने आपे को समझे वह तेरे आपापन में है। फैसला कर दिया, ऐ इंसान तू अपने आप को समझ, तेरे आपापन में है वो, तू कौन है, वो ही है। क्या कहा मैंने, Who are you? You are a part and parcel of that supreme power. तुम उसी सागर की बूंद हो, तुम उसी प्रकाश पार ब्रह्म की एक किरण हो, हमने वही वापस जाना है। मन के चक्कर में जहाँ नहीं रहना है, ये मन फंसाता है। बात मेरी समझ गए? दाता दयाल ने फैसला कर दिया कि वो गुरु कहाँ है, तुम्हारे घट में, घट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। यही कहा ना, ये तो नहीं कहा कि मंदिर में आओ या वहाँ की तीर्थ यात्रा करो, कहीं किसी संत ने ये बात नहीं कही मेरे, क्या कहते। और कबीर साहब ने जहाँ तक कह दिया, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, तेनू कदे किसी ने नहीं तो तेरी सेवा कौन करे, घड़े देव को सब कोई पूजे नित ही लाए मेवा। मूर्ति बना के रख ली, बस वो भी सारी सेवा करते हैं, सब कुछ ला के रखते हैं, क्या करूं मैं आपको, मैं खंडन नहीं करता लेकिन दर्द दिल से कहता हूं, हम सब अंधेरे में हैं, अज्ञान में हैं, हमें गुरु नहीं मिला, जब गुरु मिला तो क्या कमाना हो, गुरु मिल गया तो फिर क्या मिला, सब कुछ मिल गया, फिर मांगने की जरूरत ही नहीं रही। बाप सिर पर है तो बेटे को मांगने की जरूरत ही क्या है, वो खुद ही देता है। तुम दिल में, यही तो बाबा फकीर कहते थे, जब कोई प्रॉब्लम आए अपने कमरे में जाओ, सच्चे होकर पुकारो, तुम्हारी पुकार सुनी जाएगी, अपने पास अंदर अंदर से पुकार करो, अंदर से वो सुनी जाएगी जो अंदर से पुकार। यही तो मुझे याद आ गया, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को कहा, महाराज भैया, भैया कहती थी ना उनको, भैया तुम्हें पहले नहीं तो नजर आया कि मेरे चिरहरण हो रहे, तुम इतनी जल्दी क्यों नहीं आए, जब मैंने पुकार किया तब आप आए। कहते द्रौपदी ये बात नहीं है, तूने मुझे अपने पास कभी समझे नहीं था, तू समझती थी मैं गोकुल से आना, तो गोकुल से आने में तो देरी लगेगी। क्या कहा, बड़ी ऊँची बात है, बहुत बड़ी ऊँची बात है, उसको दूर कहाँ पकारते हो कि वो वहाँ है, वहाँ है, वो तो तुम्हारे घट में है, आगे पढ़ो। तू कहाँ और किस में करता है भजन किसी के लिए, अब तू क्या करता है, किसके लिए तू ये सब खेल खेलता है, कुछ भी नहीं है, अपने लिए खेल खेल ले, अपने ही आरती उतार ले, अपने ही की नाम जाप कर ले। वो तुम्हारा नाम क्या है, राधा स्वामी गायकर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले, राधा स्वामी नाम जो गाए वो ही तरे, कल कलेश सब नाश सुख पावे और दुख हरे। क्लियर कर दिया स्वामी जी महाराज ने, आज्ञा दे दी हजूर महाराज को कि तेरा ही हजूर ये राधा स्वामी मत चलेगा, मैं तो सतनाम का सिमरन किया करता था। आगे पढ़ो। तू कहाँ और किस में करता है भजन किसी के लिए, सोचे इसी को मन में वहाँ अंतर तेरे पलछिन में है। कहते वो तेरे अंदर है, पलछिन में एक सेकंड नहीं लगेगा, आँख की झपकी भी नहीं लगेगी कि तू उसको जरा सोच, उसकी खोज कर ले, वो तेरे सामने खड़ा है, तेरे सामने अंदर है, तुम्हें सब कुछ बता देगा कि तू कौन है। आगे राधा स्वामी धाम घट में, घट
स्वामी नाम, कहते तेरे अंदर है राधा स्वामी नाम भी, तेरे अंदर ही राधा स्वामी धाम है। वो जहाँ जब हम भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, सबसे पहले शरीर सुन होता है, फिर मन सुन होता है, मन के बाद प्रकाश होता है, उसके बाद फिर शब्द आता है। तो तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है ना। ये जो पांच नाम वाले हैं, पहले सिमरन करने से मन एकाग्र होता है, दूसरे नंबर पर त्रिकुटी आती, गुरु के दर्शन होते हैं, और ओम की ध्वनि या ओम ओम का शब्द आता है, जैसा जैसा जिसकी कोई अपनी प्रकृति है, फिर उसके आगे सुन आ जाता है, शरीर सुन, फिर महासुन। न मन है न शरीर है, तुम बिल्कुल अंधेरे में चले जाते हो, उस अंधेरे से वे गुरु तुम्हारे निकलता है और तुम्हारा मन जागृत हो जाता है। ओहो, जो कुछ देखा वो तो मन था, मैं कुछ और हूँ, मैं मन नहीं हूँ। फिर आगे का रास्ता तुम्हारा खुल जाता है, वो भी जब जब सतगुरु की दया होती है। बात समझ गए? आखिरी लाइन फिर पढ़ दो। राधा स्वामी धाम घट में राधा स्वामी नाम, सूरत में वह साथ में, सूरत में वह साथ में वह, और वही साधन में है। और किसमें है सुरत? आगे सुरत है या शब्द है, बाकी कुछ भी नहीं। फैसला कर दिया तो मैंने, शर्मा जी आए थे, उनकी वाइब्रेशन ने मुझे इफेक्ट किया, उनकी रेडिएशन ने मुझे इफेक्ट किया कि मैं कुछ कहूँ, मैं मजबूर हो गया कहने के लिए, इसलिए तो मैंने सारी बात खोल के रख दी। ये मेरी दाएँ बाजू हैं, मैं अपने साथ चलाना चाहता हूँ, इनको चलेंगे मेरे साथ, और आप सबके लिए शुभकामना रखता हूँ। आप सुखी रहो, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहो, मानसिक रूप से शांत रहो, घरों में शांति रखो। सबसे पहली बात यह है, जिस घर में शांति नहीं है ना, वहाँ कुछ भी नहीं है, जिस घर में प्रेम नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। बात मेरी समझ गए? इसलिए मेरा बहुत बहुत प्यार भरा आप सबको, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।